हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रहा है मेंस हीरो एशिया कप 2022, जो कि आज खेला जाने वाला था 3 मैच, और इसमें पहले 2 मैच के रिजल्ट आ चुका है, और इसमें कौन सा टीम मैच जीता और कौन सा टीम मैच हार गया है उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे। तो आज जो 2 मैच हुआ है उसमें पहला मैच था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की मैच, और दूसरा मैच था इंडिया वर्सेस जापान की मैच। तो जापान और इंडिया के बीच जो मैच हुआ, दोनों टीम जीबी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जकार्ता में मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे। पहले हाफ तक दोनों तरफ से अटैकिंग मोड में खेल हुआ, लेकिन इंडिया एक गोल की बढ़त ले लिया था हाफ टाइम तक। जापान ने कोई गोल नहीं दागा था। हाफ टाइम के बाद दोनों तरफ से फिर से अटैकिंग मोड में खेल हुआ, लेकिन इस बार कोई भी एक दूसरे के ऊपर गोल नहीं दाग पाए, लेकिन एक गोल की इंडिया बढ़त ले ली थी। इसीलिए मैच को 1-0 से इंडिया ने जीत कर ब्रोंज मेडल हासिल किया है। इसके साथ इंडिया टीम की वीरेंद्र लाक्रा ने मैन ऑफ द मैच हुए हैं। तो आज का और एक मैच था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है। दोनों टीम जीबी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे हॉकी ग्राउंड के मैदान में मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे। हाफ टाइम तक पाकिस्तान ने 2 गोल की बढ़त ले लिया था, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई गोल नहीं हो पाया था। तो जब तक मैच खत्म हो तब तक पाकिस्तान ने 8 गोल दागा, बांग्लादेश कोई गोल नहीं दे पाया, इसीलिए मैच को पाकिस्तान ने 8-0 से जीत लिया है। पाकिस्तान की अली मैन ऑफ द मैच हुए हैं। तो ये खबर अभी मिली तो सोचा आपके साथ भी ये खबर शेयर की जाए, क्योंकि आप लोग हॉकी प्रेमी हैं। तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अमरिंदर लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।